चीन के सैनिकों को भारतीय जवानों ने खदेड़ा। चीन की नापाक कोशिश पर भारत के सैनिकों का करारा जवाब। भारतीय सैनिकों की पिटाई से दुम दबाकर भागे चीनी सैनिक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया भारत चीन की सीमा की जानकारी। भारत की सीमा पर घुसने का सबक चीनी सैनिकों को अच्छा मिल गया। भारतीय सैनिकों ने डंडे से इतनी पिटाई कर दी कि उन्हें पीछे जाना पड़ गया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में 9 दिसंबर को भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। पूर्व के निर्धारित सीमा को तोड़ चीनी सैनिकों ने भारत की सीमा पर घुसने का प्रयास किया। सीमा पर मुस्तैद जवानों ने इसका जोरदार विरोध किया और दोनों सैनिकों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी डंडों से पिटाई शुरू हो गई। अपने सीमा की रक्षा करते हुए भारत के कुछ सैनिक ही चीनी सैनिकों को पीछे का रास्ता दिखा दिया। जाबाज सैनिकों ने उन्हें पीछे खदेड़ कर जीत का जश्न मनाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस घटना के बारे में संसद को जानकारी दी। उन्होंने कहा, हमारी सेना ने चाइना के इस अतिक्रमण को दृढ़ता के साथ सामना किया। इस बीच हाथापाई भी हुई और बहादुरी के साथ अतिक्रमण करने से रोका, उन्हें उनके पोस्ट पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। दोनों ओर के सैनिकों को चोटें आई। हमारे सैनिकों को गंभीर चोटें नहीं आई हैं और न ही कोई शहीद हुआ है। इस घटना के बाद एरिया के लोकल कमांडर 11 दिसंबर को चाइनीज कमांडर के साथ शांति स्थापित करने के लिए एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा किया। उन्होंने कहा, हमारे वीर जाबाज सैनिक चीन के किसी भी मुकाबले के लिए तैयार हैं, अपनी सीमा की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। बताया जा रहा है कि लंबे लंबे लॉकडाउन की वजह से चीन की जनता बेहाल है और लोगों के काम धंधे ठप हैं। न तो उनके पास रोजगार है और न ही बचत। जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था भी डगमगा रही है और एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां चीन छोड़कर भारत का रुख कर रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के बाहर कहा कि भारत की एक इंच जमीन पर भी चीन ने कब्जा नहीं किया, कांग्रेस के प्रश्नकाल चलने नहीं दिया। शाह ने कहा, राजीव गांधी फाउंडेशन का प्रश्नकाल में जिक्र था। इस फाउंडेशन को चीन से 1.38 करोड़ रुपए मिले थे। कांग्रेस शासन में 1962 में चीन ने हजारों एकड़ जमीन हड़प ली थी। चाइना के साथ हुए इस विवाद के बाद भारत में अलग अलग जगहों पर चीन के इस हरकत का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बस परे हो जाओ।